और वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से के जिलों में अगले 24 घंटे में बारिश के आसार है। जी हाँ, जबलपुर समेत 13 जिलों में बारिश हो सकती है। ग्वालियर चंबल संभाग में बर्फीली हवाएं चलेगी, जबकि भोपाल इंदौर उज्जैन में ठंड का असर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार जबलपुर नरसिंहपुर छिंदवाड़ा पाठुना सिवनी कटनी बालाघाट मंडला डिंडोरी अनूपपुर उमरिया शहडोल और सिंगरौली में कहीं कहीं बारिश होने का अलर्ट है। वहीं पूर्वी हिस्से में जहां बारिश और बादल रहेंगे, वहीं उत्तर पूर्वी पश्चिमी हिस्से में ठंड का असर बढ़ जाएगा। घंटों के दौरान प्रदेश का मुख्यतः शुष्क ही रहा और न्यूनतम तापमान में जो है कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। सबसे कम तापमान वेस्ट एमपी में ग्वालियर में 9.1 के करीब गया है और ईस्ट एमपी में टीकमगढ़ में 9.0 दर्ज किया गया है। भोपाल की बात करें तो न्यूनतम तापमान 12.1 दर्ज किया गया है। अब आगामी 24 घंटों के दौरान ऐसा जो सिस्टम कुछ है नहीं, बट एक थोड़ा विंड कॉन्फ्लुएंस के कारण साउथ ईस्ट एमपी के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सिंगरौली सीधी अनूपपुर शहडोल उमरिया डिंडोरी मंडला एंड बालाघाट इन जिलों में कहीं कहीं हल्की बहुत ही हल्की दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद आने वाले दिनों में तापमान में जो है गिरावट देखी जाएगी। वर्षा की संभावना जो है एक ही दिन का रहेगा, आज से कल तक का जो भी है, और कल के बाद जो है आसमान खुल जाएगा और टेम्परेचर जो है आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री सभी जगह गिरने की संभावना